इंडिया हमारे खिलाफ किस तरह बातें करता है कि अब ये दौर आ चुका है कि पाकिस्तान को ऐसा ऐसा चीजें बेचनी पड़ेंगी, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अब जो हुकूमत है अपने जो रियासती एसेट्स है वो किसी भी गैर मुल्की जो कंपनी है या कंट्री है उसको वो बेच सकते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगर यही बात है तो इमरान खान साहब हमें ये बताएं कि जो आज तक डैम के पैसे आए वो कहाँ गए? वो करतारपुर में जो अभी तक उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ था वो सारी आवाम से उसने एक एक रुपया फंड, दस दस रुपये फंड, कोरोना वायरस के फंड, वो सारे फंड वो कहाँ गए? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज चैनल। पाकिस्तानी कैबिनेट ने एक बिल को मंजूरी दी है, इसके तहत अब सरकार गवर्नमेंटल एसेट्स को बेच सकेगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पाकिस्तान अपनी ऑयल और गैस कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात यूएई को बेचेगी। इसके अलावा कुछ और कंपनियां सऊदी अरब और चीन जैसी देशों को बेची जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि अब कोई देश पाकिस्तान का कर्ज नहीं दे रहा है। मजे की बात यह है कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो मुल्क के कई हाईवे एयरपोर्ट्स को उन्होंने कर्ज रखने के लिए गिरवी रख दिया। अब यही इमरान खान शरीफ सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठा रही है। एक अनुमान के मुताबिक शरीफ सरकार इन कंपनियों को बेचकर 2 से 2.5 अरब डॉलर हासिल करेगी। इससे दिवालिया होने का संकट कुछ महीनों के लिए टाला जा सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑर्डिनेंस में इस तरह के इंतजाम किया गया है कि सरकार बिना किसी अड़चन के इन कंपनियों को बेच सकेगी। इसमें कानूनी तौर पर पाबंदी नहीं लगाया जा सकेगा। बिल को अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी। पाकिस्तान सरकार ने इस फैसले इसलिए लिया क्योंकि IMF ने अब तक उसे कर्ज के लिए हरी झंडी नहीं दी है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का रवैया भी इस मामले में नेगेटिव ही रहा है। अब पाकिस्तान मीडिया यह चर्चा कर रहा है, मोदी जी तो यूं ही बदनाम है, असली देश तो हमारी सरकार ने बेच दिया। अब जो हुकूमत है अपने जो रियासती एसेट्स है वो किसी भी गैर मुल्की जो कंपनी है या कंट्री है उसको वो बेच सकते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और उसके अंदर किसी भी किस्म की कंपेटिटिव प्रोसेस है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी ख़त्म कर दी गई है इस ऑर्डिनेंस के जरिए, और ना ही कोई कोर्ट जो है इसका कोई नोटिस ले सकती है। तमाम किस्म के जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेज हैं वो भी ख़त्म कर दी गई हैं। आम आदमी को ये बताया जाए कि अब हमारी मईशत उस नहज पे आ गई है कि अब हम जो अपने असासे हैं वो उनको औने पौने दामों या जल्दी में बेचने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो मईशत है वो उसको पैसों की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप अक्सर आप देखते हैं कोई शख्स गाड़ी बेच रहा है या कोई अपना घर बेच रहा है किसी मजबूरी की वजह से, और सम टाइम वो थ्रो अवे प्राइस पे वो दे देता है क्योंकि उस वक्त उसको पैसों की ज़रूरत होती है। तो हमारा अब ये हाल है, तो आप ये कह रहे हैं अगर ये ऑर्डिनेंस सदर की तरफ से जारी हो जाता है तो जो तमाम कवायद जवाबित हैं उनको बलाए ताक रख के एक आप कह लें कि एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाएगी जो भी मुल्क जो पाकिस्तान के जो हैं वो असासे खरीदना चाह रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अदरवाइज आप जब एक कंपेटिटिव प्रोसेस से कोई भी प्राइवेटाइजेशन करते हैं अपने असासे बेचते हैं तो जाहिर है कि आपको उसमें बेहतर कीमत मिलती है, तो इसकी वजह यही है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ये बात ठीक है, जो पाकिस्तान बड़ी तेजी से दिवालियापन की तरफ बढ़ रहा है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर किस्म की जो फॉरन ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर उन्होंने चेक लगाया हुआ है कि कौन सा पैसा पाकिस्तान से कैसे बाहर जाता है। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तमाम सियासी अशराफिया है। सबसे पहले इमरान खान साहब की वो हुकूमत जिन्होंने IMF से 2019 की डील साइन की और जाने से पहले एक अग्रीमेंट था कि पेट्रोलियम लेवी में हर महीने इजाफा करना है, उल्टा सब्सिडी देकर चले गए, बदअतमादी की फजा फैला दी IMF के साथ। नई हुकूमत आई, उनके पास कोई प्लान नहीं था और अब तक उनके पास कोई प्लान नहीं है। अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है ये सिर्फ और सिर्फ ये करने आई थी कि नवंबर का महीना गुजार लें ताकि इमरान खान साहब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ ना लगा सकें, इसके बाद की कोई चीज इनके जहन में नहीं थी। इसीलिए अब भी अगर आप देखें तो कोई समत नहीं है हुकूमत की, कोई डायरेक्शन नहीं है, समझ नहीं आती कि इनके आने का ऑब्जेक्टिव क्या था और ये जा कहां रहे हैं। इलेक्शन की बात जब करो तो उस पर भी रजामंद नहीं होते। इसके अलावा अगर मुआशी बदहाली की बात करो तो वो कहते हैं नहीं, दिवालिया नहीं होगा। इनके अपने साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया की तरफ जा रहा है, लेकिन वो नहीं सुनते। इसहाक डार साहब को बाहर से बुलाया गया, कहा यह गया कि उनके आने के बाद सूरत हाल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डॉलर 200 रुपए से कम हो जाएगा और जो मुआशी बदहाली है उसमें जरा ब्रेक लग जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। डार साहब भी आकर सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं बैंकारी निजाम को सूद से पाक कर दूंगा, जबकि इस टाइम इशू ये नहीं है। इशू इस टाइम ये है कि जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें मुल्क को दिवालिया से बचाना किस तरह है, तो उस तरफ कोई नहीं आ रहा और अब हुकूमत ने भी इस खतरे को सेंस करना शुरू कर दिया है। वो और बात है कि वो कंसिस्टेंटली इसको डिनाई करते आ रहे हैं कि दिवालिया जो है पाकिस्तान नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैंकक्रप्ट हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता डिफॉल्ट हो जाए। लेकिन बात यह है कि अगर आप श्रीलंका से कंपेयर करें तो जो स्टैट्स और जो फिगर्स हैं
वो सारे ये बताते हैं कि हम दहाने पर खड़े हुए हैं उसके। और हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है कि जो हुकूमत की प्रॉपर्टीज हैं यानी कि जो असासे हैं उसकी जल्द अज जल्द फरोख्त शुरू की जाए ताकि डिफॉल्ट से बच सकें। तो अब आप सूरत हाल देखें कि खान साहब के दौर में भी ऐसा हो रहा था कि बहुत से पब्लिक पार्क्स को लीज पे रख दिया, इसके अलावा बहुत सी सड़कों के सौदे हो गए और बड़ा कुछ बेचना शुरू कर दिया। इसी तरह अब की हुकूमत के पास भी कोई चारा नहीं है और उसने ये फैसला किया है कि बहुत से पावर प्लांट्स, जिसमें से दो पावर प्लांट्स के बारे में ये कहा जा रहा है जिनको पहले प्राइवेटाइज करना था, अब वो डायरेक्टली कतर को बराए रास्त बेचने का फैसला कर लिया है, जिससे चंद अरब डॉलर हमारे पास आएंगे तो डिफॉल्ट से हम बच जाएंगे फिल वक्त। दरअसल अब तो बड़ी शर्म महसूस होती है चैनल पे बैठते हुए भी कि इन लोगों की नालायकी को आदमी कहां तक छुपाए और कितना बताए, क्योंकि इनके कान भी बंद हैं और आंखें तो बंद हैं ही। अल्लाह ने इनको पैदाइशी में रखा है, नाबीना रखा है, कि ये कुछ देखने और कुछ समझने कुछ सोचने के काबिल ही नहीं रहे। जितने इकदाम हो रहे हैं मैं समझता हूँ कि मुल्क को पस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई एक इकदाम भी ऐसा नहीं है इनका कि जो मुल्क के लिए बेहतर हो या मुल्क के अवाम के लिए बेहतर हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इनके अपनी सफ़ों में बहुत सारे दुश्मन हैं इनके, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और वो हुकूमत को रोज़ बरोज़ डे बाई डे गैर यानी संजीदा और गैर माकूल यानी साबित कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कौन सी जबान समझेंगे, किस जबान में इनको समझाया जाए कि क्या सही है और क्या गलत। दो दिन रुक जाएं हालात ठीक हो जाएंगे, दो दिन रुक जाएं आईएमएफ के साथ 31 को बात तय हो जाएगी। ब्रदर ये आईएमएफ के गुलाम हो गए, भीख मांगने की इनको पुरानी आदत पड़ गई है। मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ ने हमारी जान छुड़ा दी थी आईएमएफ से। 2004 से लेके 2008 तक का दौर बड़ा शानदार दौर था, लेकिन उसके बाद वो जरदारी साहब आए और उन्होंने वही भीख का कशकोल हाथ में लिया और खड़े हो गए। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने तो यानी क्या कहते इंतहा कर दी, उन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आने के बाद उन्होंने जिस अंदाज में कर्जे लिए वो कर्जे आज हमारी जान का अजाब बने हुए हैं। लेकिन सर कशकोल टूट जाती, लेकिन बात यह थी कि असद उमर साहब ने भी जो किया मुल्क के साथ चीखें निकाली, 3 साल तक अपनी कोशिश की, फिर उसके बाद अब्दुल हफीज शेख साहब इम्पोर्टेड वजीर ख़जाना आ गए, फिर शॉर्टकट मेरा मतलब शौकत तरीन साहब आ गए, उन्होंने भी मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क किया। सर सबका नाम लेना पड़ेगा जिन जिन ने बेड़ा गर्क किया। नहीं मेरी बात सबको इज्तिमाही बेड़ा गर्क किया है। मेरी बात सुनिए, माजरत के साथ मैं आपसे फिर कहूँगा, कोई चीज़ भी आज के हिसाब किताब पर नहीं थी। इन्होंने आन के वादे किए कि हम इसे बेहतर करेंगे, उल्टा और बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने नहीं देखा कभी भी अपनी जिंदगी में कि 160 रुपए के आटे के लिए भी लोग लाइनों में खड़े हों। 160 रुपए किलो आटा डूब के मर जाना चाहिए।